तो गाइस सर 3.4 का अपडेट बीच मई के अंदर आ चुका है। तो अपडेट आया और न्यू अचीवमेंट ना आए ऐसा हो नहीं सकता। क्या आपने अपडेट नहीं कर रहा है तो आप लोग जाके मेरी ये वाली वीडियो देख लो एंड अपडेट कर लो। तो आप लोग जैसे ही अपडेट कर लोगे तो आप लोग को अपडेट के बाद दो न्यू अचीवमेंट देखने को मिलने वाले हैं इस वाले अपडेट के अंदर। तो इसमें पहले का नाम है डीमन हंटर, दूसरे का नाम है क्रिम्सन मून डिसेंट, ठीक है। तो जो ये अचीवमेंट आया है मैं आपको बता दूं, जो पिछला अचीवमेंट आया था जो कि 3.3 अपडेट के अंदर था, वो मतलब ज़मीन और यहाँ पे एकदम ये ज़मीन और वो आसमान पे था, ठीक है। क्योंकि ये अचीवमेंट ऐसे हैं कि आप इनको दो गेम तीन गेम में इसको कंप्लीट कर सकते हो। हाँ, डीमन हंटर में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर ये जो है ना ये इसको आप दो ही गेम में कंप्लीट कर सकते हो। कैसे कंप्लीट करना है, ईजी से ईजी स्टेप बताऊँगा कैसे कंप्लीट करना है। मेरे से अच्छा मुझे लगता है कोई बता नहीं पाया क्योंकि मैंने कंप्लीट करा है पबजी मोबाइल के अंदर, ठीक है। तो कैसे कंप्लीट करा तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो चलो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो मुझे और हिम्मत मिलेगी यार, तो सब्सक्राइब कर देना। इसमें क्या करना है कि आप सभी लोग सबसे चीप वाली चीज़ देखो, इसमें ना तो कोई टाइटल है ना कुछ है, तो इसमें आपको सिर्फ दो दो क्लासिक क्रेट है एंड 30-30 अचीवमेंट पॉइंट है, ठीक है। बट आप सभी लोग इसको कंप्लीट कैसे कर सकते हो, तो इसके लिए आप सभी लोग को यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज़ है कि इस अपडेट में ही कंप्लीट कर सकते हो इस वाले मोड के अंदर। से जो डीमन हंटर वाला मिशन है जिसको आपको कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ईजी है, इसमें लिखा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग मिशन वाइल ब्लड मून अवेकिंग इज अवेलेबल। तो जो न्यू मोड आया है उसकी बात कर रहे हैं, तो जब वो अवेलेबल होगा तभी आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। ये तो जाहिर सी बात है यार, लेकिन ये लिख देते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एलिमिनेट 20 प्लेयर ट्रांसफर इनटू वुल्फ वॉरियर एंड वैम्पायरिक। तो आप सभी लोग को बता दूं कि कैसे इसको कंप्लीट करना है। अभी यहाँ पे समझ लो, अभी मैं आपको गेम में ले चल के भी समझा देता हूँ। देखो गाइस, सबसे पहली चीज़ वुल्फ वॉरियर एंड वैम्पायरिक, दो न्यू चीज़ आई है यहाँ पे न्यू अपडेट के अंदर। एक वो है तो जिसमें वुल्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं, और शक्ति बोल रहा हूँ मैं हिंदी में, तो एक कुछ समझ लो आप सभी लोग, तो उसको वैम्पायरिक में हम लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग को 20 ऐसे बंदों को एलिमिनेट करना है जो वुल्फ वॉरियर एंड गाइस वैम्पायरिक में कन्वर्ट हो चुके हों। मतलब आप सभी लोग उनको इजी मार सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको अपनी डेथ वो कैम दिखा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे बना हुआ था और मेरे को इतना यूज़ करना नहीं आ रहा था, तो मैं यहाँ पे मर जाता हूँ इन बंदों के हाथों। तो इस तरीके से आप सभी लोग भी मार सकते हो, ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, तो ईजिली आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। उससे तो कम ही हार्ड होगा जो 7 चिकन करो फिर जाके वो करो सब समान वगैरह, उससे तो बहुत ज़्यादा इजी है, लाख गुना ज़्यादा इजी है। इसके बाद बारी आती है दूसरे वाले अचीवमेंट की जो कि ये ब्लड मून डिसेंट, ठीक है। अभी गाइस यार ये अचीवमेंट आपको बहुत ज़्यादा इजी कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि ये आप सभी इसमें करना क्या है, तो इसमें आपको ब्लड मून अवेकिंग मोड में ही खेलना रहेगा। इसमें जो आपको फर्स्ट मिशन है जिसमें लिखा है कि यूज़ वुल्फ सेल, ठीक है, एंड ब्लड डेथ एक्सट्रैक्ट, आप सभी लोगों को 3 टाइम इन दोनों को यूज़ करना है, ठीक है। तो आप सभी लोग बता दो कि चाहे तो आप लोग यहाँ पे जो वुल्फ सिल्वर है उसको चाहे आप 3 टाइम यूज़ कर सकते हो, चाहे ब्लड डेथ एक्सट्रैक्ट है उसको 3 टाइम यूज़ कर सकते हो। अब ये दो चीज़ें क्या है, चलिए मैं आपको गेम में ले चल के बताता हूँ। तो गाइस सर, आप सभी लोग देख सकते हो कि ये दो न्यू आपको शक्तियाँ मिलेंगी, आप मैं इसको शक्तियाँ बोलूँगा। तो इसमें ये एक आ रही है कि वुल्फ सेल्व एंड गाइस दूसरी है ब्लड डेथ एक्सट्रैक्ट, ठीक है। इन पहले से क्या होता है कि आपका भेड़िए में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरे वाले से क्या होता है कि एक पंछी में कन्वर्ट हो जाएगा और जिसका नाम है वैम्पायरिक है, ठीक है। तो पहले तो आपके सामने ये रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं दूसरा वाला यूज़ करता हूँ एंड आप सभी लोग देख सकते हो पहले इसको ये लगाएगा एंड यहाँ पे देख सकते हो कि वैम्पायरिक में कन्वर्ट हो जाएगा, और वैम्पायरिक मेरे को अच्छा लग रहा है, वुल्फ थोड़ा सा बकवास लग रहा है, वैम्पायरिक ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके बाद गाइस इसी में जो दूसरा मिशन है जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है, इसको क्या है कि इसमें लिखा है एंटर द क्रिम्सन कैस्टल 2 टाइम। देखो जो न्यू अपडेट आया है उस जगह का जो नाम है, जैसे कि कोई इवेंट होता है उस जगह का कोई नाम होता है, तो उसका नाम इसमें है क्रिम्सन कैस्टल। बस आप लोग को उस जगह पे 2 बार जाना है, आप लोग का ये वाला मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यार ये तो बहुत इजी है, उसके बाद जो तीसरा है ये मुश्किल पड़ जाएगा, नो डाउट ये कंप्लीट तो हो जाएगा, मुश्किल पड़ेगा। पर इसमें क्या है कि इसमें लिखा है कि ओपन द ब्लड क्लेन चेस्ट 2 टाइम, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, तो इसमें आप सभी लोग को बता दूं कि देखो गाइस, जैसा कि हम लोग 3.3 वर्जन अपडेट के अंदर एक चीज़ खेलते थे, न्यू मोड पे जाते, इवेंट पे जाते थे, तो वहाँ पे एक ट्राइडेंट होता था जिसको हम लोग को समन करके हम लोग रिकॉल एक्स्ट्रा लेते थे, ठीक है। तो इसमें भी बिल्कुल इसी अपडेट में भी ऐसा ही है, उसमें क्रेट आ रही है, क्रेट के अंदर आप सभी लोग को वेट करना रहेगा 4 से 5 मिनट का, उसके बाद क्रेट ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगी, उसके बाद आपको क्रेट ओपन करना है एंड आपकी टीम को रिकॉल वगैरह मिल जाएगा, लूट वगैरह मिल जाएगी, उसके बाद आपको मैप में एक लोकेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग को उसी लोकेशन पर जाना है एंड गाइस उस जगह पर जाने के बाद आप सभी लोगों को ये जो आपके सामने चेस्ट रहेगा उसको ओपन करना है एंड गाइस उस पर 2.5 से 3 मिनट लगेगा,
ढाई से तीन मिनट आप सभी लोगों को वेट करना रहेगा, उसके बाद आप सभी लोगों को जाके कुछ लूट वगैरह मिल जाएगी एंड ये यहाँ पे एक काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं मिलेगी, पर वो चीज़ें जो थी वो मिलेगी। तो उसके बाद आप सभी लोग अपना गेम खेलो, ठीक है। इस तरीके से ये वाला अचीवमेंट आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊँ ना कि भाई ये बहुत ज़्यादा इजी मिशन अचीवमेंट आए इस बार, ठीक है। तो आप लोग यूँ ही कंप्लीट कर सकते हो। चलो गाइस ये था इस वीडियो में, एंड गाइस दो तीन चार न्यू अचीवमेंट और भी आए हैं अल्टीमेट रॉयल के, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो गाइस बाय, अपना ख्याल रखना है, लव यू।